नूह से विधायक आफताब अहमद ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को नलहड़ स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज की दिन प्रतिदिन बिगड़ती हालत के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों समेत मूलभूत सुविधाओं की कमी से अवगत कराया। आज हालात ये है कि मेडिकल कॉलेज की अधिकांश मशीनें खराब हैं और मरीजों के लिए दवाओं का भी अभाव हो गया है। ऐसे में उन्होंने सहकारिता मंत्री से अस्पताल को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि फरवरी में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मेवात दौरे पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हफ्ते भर में अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट भेज दिया जाएगा और सभी जरूरतों को तुरंत पूरा किया जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद भी मुख्यमंत्री का आश्वासन पूरा नहीं किया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे दुख होता है इस बात का कि जो मामले सरकार के संज्ञान में हो, स्वयं मुख्यमंत्री जिनके बारे में फैसला करके जा चुके हों, फरवरी में मुख्यमंत्री स्वयं आए थे और हम तीनों विधायकों ने मिलकर मेडिकल कॉलेज की व्याख्या के बारे में उनको विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। किस तरीके से एक रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से जो है यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है वो चालू ही नहीं हुई जब से मतलब हॉस्पिटल, उन्होंने कहा था हम एक हफ्ते में कर देंगे, आज फरवरी को भी गए कितने दिन हो गए। इसी तरीके से डॉक्टरों की कमी है और यहाँ विशेष भत्ता जो है दिया जाता था हमारी सरकार के समय, इन्होंने हर साल उसके एक्सटेंशन के बहाने पर वो फरवरी में कही हुई बात आज अगस्त तक क्या था वो अगस्त तक अभी भी फैसला सरकार ने नहीं किया है। हम विधानसभा में उठाते हैं, हमने वी उमाशंकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम मिलके उनको ये सारी चीज़ें से अवगत कराया, लेकिन कोई नहीं। अस्पताल में जब डॉक्टर नहीं होंगे, अस्पताल में जब इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए 2 महीनों से ड्रेसिंग के लिए एनेस्थीसिया की दवाई के लिए मतलब मरीजों को वापस भेज दिया जाता है, एक अस्पताल जिसमें 2000 मरीज हर रोज जो है अपने इलाज के लिए आते हैं और वो 700 करोड़ रुपए हमने लगा के एक मेडिकल कॉलेज इस इलाके को दिया था, इस सौगात दी थी, उसको ये बर्बाद करना चाहते हैं। इसको बर्बाद हम नहीं होने देंगे और इसके लिए संज्ञान यहाँ भी उठाया और आज मंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस चीज़ को पूरा कराएं, तो इसके अवगत में कराएं। एक लिखित ज्ञापन सब चीज़ों के लिए, उपकरणों के लिए, उसमें डॉक्टरों की कमी के लिए, दवाइयों के लिए, ऑपरेशन नहीं हो रहे, सब चीजों के बारे में जो हमने यहाँ मंत्री जी को आज सौंपा। वही आफताब अहमद ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मेवात में तो आते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज में नहीं आते। कहते हैं हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री गब्बर सिंह है, लेकिन वो अब गब्बर सिंह नहीं रहे, उनकी हवा निकल चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मेवात में तो आते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते, वो गब्बर सिंह जो है ना, वो शायद गब्बर सिंह जो उसका मतलब हवा निकल चुकी है। इसके अलावा विधायक आफताब अहमद ने नूह नगर परिषद के चेयरमैन संजय मनोचा के डकैती मामले में कहा कि इस सरकार ने कानून का मजाक बना रखा है, ऐसे लोगों को अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, यहाँ पर तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है, कोई कुछ भी कर लो किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मजाक है कानून का, एक नगर परिषद का जो अध्यक्ष है वो 392 डकैती के मामले में जेल में दिल्ली पुलिस में है और उसके बाद भी यहाँ उसको मतलब जिला नगर परिषद में उसका ना सस्पेंशन करी टर्मिनेट, और वो ऐसी कौन सी जजपा, कौन सी ऐसी बीजेपी पार्टी है बताया जवाब दे, ऐसे लोगों को पार्टी से अब तक एक्सपेल क्यों नहीं किया, उससे निष्कासित क्यों नहीं किया। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है और कुछ भी कर लो किसी पे फर्क नहीं पड़ता, कह रहे दोष होएगा तो दोष है, जब ही तो अंदर गया दिल्ली पुलिस में अंदर किया, उसमें सारी चीज़ें तथ्यों से हुई है, ऐसी डकैती करके और नगर परिषद का चेयरमैन बना रहे, ये शर्म की बात है प्रशासन के लिए। किस तरह का तिरित्तर दर्शाता है कि किस तरीके के लोगों को ये अपनी पार्टियों में रखते हैं, उनको बनने के बाद किस तरीके से संरक्षण दे रहे हैं। वही जब दोनों मामलों में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। देखो ये बात ठीक है कि हेल्थ हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और हेल्थ सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए और जो भी इसमें कोई कमी है उसका। फिलहाल नूह में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था जो की त्यों बनी हुई है, अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। अब देखना होगा ज्ञापन सौंपने के बाद सरकार अस्पताल को कब तक सुविधाएं मुहैया करवाती है। नूह से AK बघेली, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।